राम राम सारन है। और उम्मीद करती हूँ कि भी सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। और पहली रिक्वेस्ट यही है, जो भी चैनल पर पहली बार आया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भी सुबह का टाइम है और सुबह का रूटीन ही दिखा रही हूँ मैं आज आपको, तो ये तख्स के जाने के बाद का है। तो अभी मैं लगी थी भाई, उसकी बुक वगैरह है जो भी, ये अलमीरा दोनों उनकी है, कुछ में वैसी बुक रखी है, कुछ में इशिका की बुक रखी है, तो कुछ में वैसी पुरानी बुक रखी है। बहुत सारा सामान हो जाता है भाई स्टेशनरी का, तो मैं उसका सेट कर रही हूँ। ये 2-3 बैग है और इतना उथल पुथल कर देता है ये लड़का कि बस पूछो ही मत। एक भी बुक नहीं मिलेगी तो पूरी अलमीरा कोई बिखेर के रख देगा, तो यहाँ वहाँ पे फैला देता है। और ऐसे ही छोड़ के चला गया आज। तो मैं उसकी सेट कर रही थी कि जो उसकी है तो वो अलग से निकाल कर और एक नीचे वाले पोर्शन में रख दी, बाकी की ऊपर वाले में रख दी। पर बच्चों का ये भाई कितना ही करते रहो, है ना। कपड़े वाली है उस अलमीरा में को भी ऐसे ही फैला दे हैं, और ये बुक वाली है इसको भी, और बोलूँगी तो बुक कहेगा कि हाँ मैंने कर रखी है अपनी अलमीरा साफ। तो उसका बस भाई साफ करने का यही होता है। तो यहाँ जो भी ये पेपर थे, रद्दी पेपर थे, वो निकाल दिए हैं। ये चार्ट वगैरह थे स्कूल के, कुछ बनाए थे चार्ट, तो वो अब रख देती हूँ बाहर निकाल के, क्योंकि उनका कोई भी यूज़ नहीं है। और उसके बाद फिर मैं लगाने लगूंगी भाई झाड़ू। यहाँ पे चादरें वगैरह दोनों रूमों की कर दी है ठीक, और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा बचता है तो वही करना है। तो यहाँ पे जो मैं बेडशीट को कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत जितना भी होता भी डेली का करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत साफ यही है, जितना मेरे से बन पड़ा है उतना तो करती हूँ। और एकदम रूम के बीचों बीच डाल रखा है हमने ये बेड, तो भी ये डबल बेड था जो मेरा शादी में मिला था, तो एकदम बढ़िया वाली लकड़ी है, शीशम की लकड़ी का बना रखा है ये, साई बंदा बनवाया था। तो अब मैंने इसके पिछले साल है ना दो अलग अलग पोर्शन करवा दिए, इसका जो सिराना होता वो हटवा कर और अलग अलग पोर्शन कर रखे, अब ये दोनों ज्वाइंट कर रखे हैं। तो अभी बना रही हूँ भैया पे चाय, दो आदमी आए हुए हैं तो उनके लिए बना रही हूँ, साथ में एक कप मेरे लिए भी हो जाएगी। और टाइम हो रखा है अभी 8:30 हो रखा है, तो झाड़ू तो लगा दी है, पोछा लगाना बाकी है। और उसके बाद फिर मैं, इतने सारे कपड़े पड़े भाई प्रेस कराने के लिए, तो कई दिन से कुछ भी नहीं कर रखी है। बस ये जो तख्स जा है और उसके पापा जाते हैं, तो उन दोनों के डेली के डेली करके दे लेती हूँ। बाकी तो ज़्यादातर तो मेरे हैं, और एक दो कुर्ता पजामा पापा के हैं, ज़्यादातर मेरे ही सूट हैं, और 2-3 सूट नए हैं जो वो पानी में निकाल कर रखने, कल मैंने धुपाई कर दी थी। और मेरी चाय यहाँ पे उबल चुकी है, तो मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। आज ये भी चाय पीने के लिए, चाय पी लो, वैसे भी खाली पेट सुबह सुबह दो दो बार चाय पीना वो अच्छा तो नहीं है, एक बार भी पीना अच्छा नहीं है, पर आदत इतनी हो चुकी है, आदत से लाचार हैं, चाय पिए बिना रुकिया ही ना जाता भी के करें। तो आपकी भी किसी की ऐसी आदत होगी, किसी की क्या रे की मिल रहा है ऐसी, बहुत सारे ऐसे हैं चाय के फैन होते हैं जो चाय के चासड़ू। तो भाई लाइट ऑन कर लूँ मैं, ये करती। और ये देखो भाई यहाँ पर ढेर लगा रखा है कपड़ों का,
ये कंबल डाल रखे हैं जिस पर प्रेस करती हूँ, और बाकी के कुर्सी ने भी बोझ लग रहा है। बेचारी सोचती होगी कि कितना बुरा हाल कर रखा है इसने मेरा, टूट गई मैं तो बिल्कुल। भाई इतने सारे कपड़े हो रखे हैं, और करेंगे भी इनका भी काम, पहले चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी के फटाफट। बहुत बार सोचू कि जल्दी जल्दी करूंगी, पर फिर पता नहीं क्यों लेट हो जाती हूँ, क्योंकि एक तो वीडियो के उसमें कैमरा सेट करना पड़ता है जगह 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 जगह, और फिर बस यूं ही हो जाता है। तो वे कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, और पंखा भी नहीं चलाया क्योंकि बहुत सारी आवाज आती है फिर फोन में, इसका स्पीकर कुछ ज्यादा ही आवाज को अपनी तरफ खींच लेता है, तो पंखा चला लेती हूँ। तो अब लगी हूँ भी मैं अपने कपड़े धोने के लिए, तो दो तीन सूट वैसे हैं जो नए वाले हैं जो अभी सिले थे, तो एक बार पानी में से निकालने जरूरी हो जाते हैं भी गर्मी का मौसम है, या फिर वैसे भी हो तो सिलते हैं, चोक वगैरह के निशान हैं कुछ और एक दो दिन लगा देती हूँ तो फिर हो जाते हैं थोड़े से ऐसे, तो एक बार पानी में से निकाल लूँगी थोड़ा सा इजी डाल कर। और पहले तो दक्ष की जो ड्रेस है वाइट वाली, तो भी शनिवार के दिन ये डाल के जाएगा, तो उसकी ये वाली धो देती हूँ हाथ से ही, क्योंकि भी मशीन तो फिर मैं लगाऊंगी संडे को ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा एक सूट वैसा है, ये एक आध सूट ऐसे होते भी, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनका कलर निकलता है थोड़ा बहुत वो होता है, और नए कपड़े को मैं तो हमेशा वही हाथ से ही धो लेती हूँ, कुछ नहीं इतना किसी चीज़ का मैल नहीं होता इनमें, बस थोड़े से पानी में से खंगालने होते हैं। और ये बस दक्ष की यूनिफॉर्म थोड़ी सी वाइट कलर की है, तो इस पर थोड़े से दाग वगैरह पैन वगैरह लगा के लिया हो तो उसको मैं ब्रश लगा दूंगी, और बाकी के इजी वॉश करके और सुखा दूंगी। और ये कपड़े ऐसे है भाई, एक एक अलग अलग करके सुखाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो दक्ष की वाइट होगी और फिर ये हर एक का कलर अलग होगा, और थोड़ा थोड़ा कलर हर एक में से निकल रहा है, और कई बार तो ऐसा होता है इकट्ठे धोते टाइम नहीं होता, सुखाते टाइम लग जाता है भाई, कलर चढ़ जाता है, जैसे सूट या तो फिर मशीन में सुखाएं तो स्पिन करेंगे तो तब भी एक दूसरे का कलर चढ़ जाता है, या फिर वैसे ही इकट्ठे करके रख दे बाल्टी वगैरह में तो भी फिर रखे रखे का हो जाता है कलर। बनाई थी और सर भी धो लिया, संडे मंडे को धोया था भाई, व्रत था उस दिन, और आज शुक्रवार हो गया, स्मेल सी हो जाती है पसीने की 3-4 दिन में, और अब टाइम हो रखा पूरे 12 बज चुके हैं, और अभी तक भी मैंने खाना भी नहीं खाया, जोत भी नहीं लगाई है, बहुत लेट हो रखी हूँ, तो पहले जोत लगा देती हूँ और फिर खाना खाऊंगी, फिर आगे देखते हैं भी क्या करती हूँ। देखो भाई 1:30 बज चुका है दोपहर का, और मेरा काम होते 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 बस टाइम इतना हो गया, और अब प्रेस लगा रखी यहाँ पर गर्म होने के लिए, तो कर लेती हूँ भाई प्रेस। ये देखो इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं तो उन पर प्रेस करूंगी, और ये प्रेस का नाम लेते ही देखो लाइट भाग गई, यही होता हमेशा मेरे साथ, ऐसा क्यों होता है भाई, जब मूड बना है तब लाइट भाग जावे है। अब देखो कितनी देर माँ बजी, फिर रह गए मेरे कपड़े यूं ही, सोच रही थी कि थोड़े बहुत तक करूंगी, रात ने पकड़ दी थी थोड़ी से कपड़े थे उनके, और बाल सूख गए थे, धोए थे तो गिल्ले थे भी, तब सूख चुके हैं। और बस आज के व्लॉग को तो भाई यही पेंड कर देती हूँ, काफी लंबा व्लॉग हो जाएगा, और आप बनाना भी कैसी लगती है मेरी वीडियो, वीडियो पसंद आए आए या ना आए लाइक तो कर दिया करो, एक ही अंगूठा जिसपे ऐसे अंगूठा बन रहा है उस पर क्लिक कर दिया करो, तो भाई ऐसा लगता है कि हाँ कोई तो देख रहा है, किसी को तो पसंद आ रही है मेरी वीडियो, वरना फिर यही रह जाएगा कि कोई भी लाइक भी नहीं करना, बात का वो करना है, जब जिसको पसंद आएगा वो खुद लाइक कर देगा, बोलने से कोई नहीं करता, सच्चाई यही है, हम किसी को कितना ही बोल ले, देखने के लिए बोल ले या लाइक करने के लिए बोल ले या कमेंट करने के लिए बोल ले, तो आदमी जो भी कोई है वो अपनी मर्जी से करते हैं, किसी के बोलने से कोई कुछ नहीं करता, और बोलने के बाद हमेशा भाव चढ़ जाते हैं, तो भाई आपकी मर्जी है, आप लाइक करो या ना करो, बस हमारा तो भी कहने का हक बनता है तो हम तो बोल देते हैं। तो भाई फिर मिलेंगे,
और भी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तो आज की वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।